अभी सर्वदलीय बैठक हुई है, जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए, और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रख दी, उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा, और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा, और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिरकार प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तब तो बीजेपी के भी गए थे ना साथ में, और बाद में जब हुआ तो आज भी आप देख रहे हैं ना, सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं, आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से लेकर के ही करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाएगा। पॉलिटिकल को फायदा चाहिए। और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके, कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े, इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया। और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं, जाति आधारित गणना।